हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी को अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के और वो भी बिना सेव किए। जी हां, ऑटोमेटिकली कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपनी जो स्टोरी होती है उसको गैलरी में। ठीक है, आपको गैलरी में करने के लिए कोई ना कोई ऐप चाहिए होता है या फिर आपको कुछ भी एक्टिविटीज़ उसमें करनी पड़ती हैं, कई सारी सेटिंग्स में जाना पड़ता है, तब जाकर आप उसको अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप बिना किसी एप्लीकेशन के अपनी फ़ोन की गैलरी में बड़े ही आसानी के साथ में स्टोरी को सेव कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, उससे पहले करूँगा एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले आए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, उसके लिए आपको करना क्या, सबसे पहले आपको चले जाना अपने इंस्टाग्राम में। ठीक है, आपको अपना इंस्टाग्राम ऐप जो है वो ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है कॉर्नर में अपनी प्रोफाइल पर। ठीक है, जैसे ही आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। फिर आपको यहाँ पर 3 लाइन दिख रही है कोने में, आपको यहाँ पर चले जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए कुछ ऐसे ऑप्शन आपके सामने देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्राइवेसी लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में देखिए कुछ ऐसे ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे देखने को, तो आपको यहाँ पर स्टोरी पर क्लिक कर देना है सिंपली से। ठीक है, स्टोरी पर क्लिक करने के बाद में आपको इसको ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए सेव स्टोरी टू गैलरी। ठीक है, आपको यहाँ पर सेव स्टोरी टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर ये ऑफ होगा तो आपको यहाँ से इसको ऑन कर देना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही आप इसको ऑन कर लेते हैं तो इसके बाद में फ्रेंड होगा क्या, कोई भी स्टोरी आप वहाँ पर शेयर करेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको डाउनलोड करना पड़ता है, कहीं व्हाट्सअप पर लगाना होता है, कहीं पर भी लगाना होता है तो आपको वहाँ से डाउनलोड करके तब लगाना होता है। लेकिन आपके जब भी आप स्टोरी लगाएंगे तो आपकी गैलरी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।